गुरुभ्यां नमः स्वाहा ओम पाणि हेणद गुरुभ्यां नमः स्वाहा ओम सति गुणत गुरुभ्यां नमः स्वाहा ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट भोगे मधो पुरः स्वाहा धूप घी की सुगंध और मंत्रोच्चारण की गूंज से गुजायमान सुपौल जिले का रतौली गांव श्रीमद् भागवत कथा में सराबोर रहा। दरअसल सुपौल जिले के रतौली गांव स्थित भागवती मंदिर के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा और आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन हुआ। इसके साथ ही माता भगवती की स्थापना यज्ञ का भी आयोजन किया गया था, जिसकी अगुवानी मुख्य यजमान सुशील कुमार सिंह ने किया। साथ ही उनके साथ साथ संपूर्ण समाज के लोगों के द्वारा भी इस यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान राम जो बन गए समाज के कहने से या किसी के कहने से बन नहीं गए। अरे रावण को तो किशोरी मार सकती थी, ये रावण तो बहुत हल्का था किशोरी के लिए। रावण को तो सीता जी हत्या कर सकती थी, इतना शक्तिशाली थी सीता, क्योंकि अपने पिता के गृह में शंकर का किनारा धनुष लिप रही थी। इस दौरान हर शाम कथा का मंच तैयार होता, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होकर प्रवचन का रसपान करते थे। दरअसल 25 जनवरी से शुरू हुई इस यज्ञ में कलश यात्रा के साथ ही इसकी शुरुआत हुई और हर दिन लोगों ने भारी भीड़ के साथ पूजा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। मंदिर के वही इस यज्ञ की विशेषता बताते हुए आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने गीता का भी संक्षिप्त ज्ञान दिया। यहाँ पे सप्त दिवसीय भगवान गणेश जी का, काली जी का और भगवती दुर्गा जी का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ, साथ ही सप्त दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा व प्रवचन का आयोजन मुख्य यजमान इस यज्ञ के श्री सुशील कुमार सिंह रतौली जी के द्वारा संपूर्ण समाज के उपस्थिति में किया गया है। 3 प्रकार का यज्ञ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया अपने मुखारविंद से, सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ और राजसी यज्ञ। तो निश्चित ही सात्विक यज्ञ करने से सत्य की वृद्धि होती है, धर्म का अभिवृद्धि होता है और धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा ही देवता को आराधना करके यज्ञ करके संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है, शांति हो सकता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवती दुर्गा भी कहती हैं मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में, यं यं चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। भक्तों को जितना भी जो जो तत्व की कामना रहता है उन उन तत्व को प्रदान करना यज्ञ नारायण और यज्ञ नारायणी के द्वारा ही संभव होता है। मनोज कुमार पिपरा प्रखंड कोऑर्डिनेटर प्रगति बाल विकास योजना की ओर से सुपौल जिला वासी सहित देशवासियों को सरस्वती पूजा एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार HDFC CSC संचालक झिल्ला डुमरी भपटियाही की ओर से सुपौल जिला वासी सहित देशवासियों को सरस्वती पूजा एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।